बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू एसटीएन टीवी। बारबरोसा की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि अरूज नमाज ख़त्म करने के बाद अल्लाह से रोते हुए दुआ करता है कि या मेरे अल्लाह, मुझे बड़े ही मुश्किल इम्तिहान में डाला। एक तरफ खुशी का समा और दूसरी तरफ इंतहाई मातम। मेरे आधे दिल में बच्चे की पैदाइश की पूरी खुशी से फूल खिल रहे हैं और बाकी आधे दिल में आगा का घराना, दुख भरा हुआ है उनके घराने का। बस मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मेरे ज़ख्मों से खून रिस रहा है, फिर मैं अपनी खातून से कुछ कह भी नहीं सकता ताकि वो दुखी ना हो और बच्चा सलामत रहे, जैसे आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग के हल्के को फूलों का गहवारा बनाया, वैसे ही मेरे बाकी दिल को भी फूलों का गहवारा बना दीजिए। इसहाक आगा के दिल को चैन अता फरमाइए। आपने याकूब अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों में कीड़े पैदा किए और फिर शिफा भी आपने ही अता फरमाई। अगर मेरे गम का कोई इलाज है तो अता फरमाइए या रब। इसी के साथ अरूज दुआ ख़त्म कर लेता है और बाहर खड़ा इलियास आगा रईस को आवाज़ देकर कहता है, आगा, भाभी भी दस्तरखान लगा चुकी हैं, आपकी मुंतज़िर हैं। इस पर अरूज इलियास से कहता है, आ रहा हूँ, और यहीं पर सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ मेदी में इसहाक आगा गमगीन अपने घर में बैठे हुए होते हैं। इतने में खजर इसहाक आगा के पास आकर पूछता है, कैसे हैं आगा? इस पर आगा कहते हैं, कैसा होगा खजर, कब्रिस्तान में था, वो लोग ज़मीन के नीचे ज़िंदा हैं और मैं ज़मीन के ऊपर मरा हुआ। इस पर खजर कहता है, आपके कंधे पर यह खून कैसा है आगा? इस पर इसहाक आगा कहते हैं, मेरे दिमाग में कुछ चिपका हुआ था, मैंने वो उतार फेंकने की कोशिश की, शायद इसी का असर है। इस पर खजर कहता है, आगा क्या बात है? इस पर इसहाक आगा कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हमारे आते ही योरगो मंजर से गायब हो गया था। इस पर खजर कहता है, मैं नहीं चाहता था कि इतनी मुसीबतों के दरमियान कोई और नई मुसीबत खड़ी हो जाए। इस पर आगा कहते हैं, एक भाई मुसीबत भेजता है और एक भाई उसे बचाने की कोशिश करता है, ऐसे भाइयों के होते हुए ज़ख्मी होने के लिए किस दुश्मन की ज़रूरत है भला? इस पर खजर पूछता है कि योरगो मारा गया? इस पर इसहाक आगा कहते हैं, नहीं, वो भाग गया है फिलहाल। इस पर खामोशी से उठकर खजर वहाँ से चल देता है। दूसरी जानिब इलियास अपने कजाक दोस्त होजरोजो के साथ कुश्ती करने के लिए उस जगह आर पहुँचता है जहाँ पर पहले से ही काफ़ी लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। होजरोजो इलियास से कहता है, मैं कह चुका हूँ इन कामों से मैंने तौबा कर ली और तुम देखो ज़बरदस्ती मुझे किस जगह ले आए हो। इस पर इलियास कहता है, मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था, लड़ाई करके पैसे जमा करने के लिए नहीं कहा। इस पर होजरोजो कहता है, बाबा अरूज ये नहीं चाहते और जब उनको ये पता चलेगा तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा। इस पर इलियास कहता है, फिक्र मत करो, जब तक मैं ना चाहूँ कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। इस पर होजरोजो कहता है, ठीक है, तुम इसे मारना और ना ही वो तुम्हें मारेगा, चलो चलते हैं। ये कहकर होजरोजो इलियास को लेकर वहाँ से वापस जाने ही लगता है तो इलियास कहता है, हरगिज़ नहीं होजरोजो, मैं कानून के मुताबिक उसे बेहतरीन मार मार के जाऊँगा और फिर मुझे इसी से सुकून मिलेगा, मुझे कोई मारे ताकि मैं खुद को ना मारूं। इस पर होजरोजो कहता है, इलियास ये मत करो। फिर वहाँ मौजूद आदमी पूछता है कि है कोई मैदान में आने वाला जंगजू? इस पर इलियास फौरन कहता है, हाँ है। तो वो आदमी इलियास और होजरोजो को देखकर कहता है, ओह होजरोजो तुम लौट आए। इस पर होजरोजो कहता है, बातें मत करो, चुप हो। फिर इलियास कहता है कि कोई सामने आने वाला है या नहीं। इसी के साथ इलियास लड़ाई के मैदान में कूद पड़ता है, ये सोचकर कि इसहाक आगा को जो भी तकलीफ पहुंची वो उसकी वजह से है और वो अब किसी दूसरे शख्स से मार खाएगा ताकि वो खुद को ना मार सके। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि एक कश्ती पर मछेरा सवार होता है और आसमान की जानिब तक रहा होता है कि दो सितारे दो उंगलियों के फासले पर थे और फिर तीसरा सितारा एक एक करके एक उंगली के फासले पर है। या मेरे अल्लाह, 20 दिन पहले तो ये सितारा एक उंगली जितना फासले पर था, यानी कि तुम कोई और सितारा हो। इतने में कुछ लोग आते हैं और हंसते हुए उस शख्स से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम मेरे बग़ैर इजाज़त करीब क्यों आए हो, मैं हिसाब लगा रहा हूँ, देख नहीं रहे। इस पर वो लोग कहते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ का हिसाब लगा रहे हो, ये मछली के शिकार का वक्त तो नहीं। इस पर कज़ाक कहता है, इस तरफ आजकल किस्मत ने मुंह मोड़ रखा है,
हम ज़रा समंदर में समंदर गर्दी करने आए हैं, ज़रा दूर अपने नसीब की तलाश में हैं। इस पर कश्ती में मौजूद बूढ़ा आदमी पूछता है, आप समंदर में कैसा हिसाब लगा रहे थे? तो इस पर हिसाब लगाने वाला शख्स कहता है, आसमान के नज़ारे के लिए सबसे बेहतरीन मकाम समंदर है। इंसान जितना दूर होता है सितारे इतने ज़्यादा चमकते हैं और मुझे सरगोशी करने लगते हैं कि हमारे रास को तलाश करो। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है, बस इतनी बातें बहुत हैं। फिर वो अपने साथियों से कहता है, पकड़ लो इसे। इस पर कश्ती में सवार वो आदमी फौरन खंजर निकाल कर उस कश्ती में सवार आदमी का हाथ काट देता है और फिर अपनी कश्ती को चलाकर वहां से भागने लगता है। मगर दूसरी कश्ती में सवार तीर अंदाज तीर मारकर उस हिसाब लगाने वाले शख्स को ज़ख्मी कर देता है और आखिरकार वो शख्स उनके हाथों गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद दूसरी जानिब कालमनोस में दिखाया जाता है कि पैत्रो जिंदान में दाखिल होता है और जीवानी के पास आता है। जीवानी पैत्रो को देखकर कहता है, आफंदी मैं कसम खाता हूँ मैंने कोई गद्दारी नहीं की, सब गलत फहमी का नतीजा है, मैं गद्दार नहीं। इस पर पैत्रो कहता है, मुझे तुम्हारा यकीन है जीवानी, रात को गुस्सा था और इस पर तुम गुस्सा मत होना, इसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, यकीन करो कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। इसी के साथ रात को से भी पैत्रो पूछता है कि ऐसा तो नहीं चाहते थे ना रात को? इस पर रात को कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं जनाब। फिर पैत्रो रात को से कहता है, तुम जाओ, और रात को वहां से चला जाता है। इसके बाद पैत्रो जीवानी को देखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत मारा पीटा गया है? इस पर जीवानी कहता है, जी हाँ जनाब। इस पर पैत्रो जवाब देता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर जीवानी कहता है, आपको फिर से कोई मुश्किल पेश आने लगी? इस पर पैत्रो कहता है, चलो आओ यहाँ से चलें। इस पर जीवानी कहता है, शुक्रिया। और फिर पैत्रो और जीवानी दोनों ही जिंदान से बाहर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ समंदर के किनारे ममलुकों के कुछ आदमी कश्ती की तलाशी ले रहे होते हैं और वहीं पर एक शख्स कहता है कि अबू मोहम्मद हर रात समंदर में आसमान का नज़ारा करता और सुबह अपने काम पर भी पहुंच जाता है, मगर आज रात अबू मोहम्मद के पास कुछ लोग आए थे और इन लोगों को खुशामदीद भी कहा गया, इस वजह से वो वापस ही नहीं लौट पाया। भागने की कोशिश की मगर मुकद्दर ने यावरी नहीं की और पकड़ा गया। इसी दौरान वो आदमी अबू मोहम्मद की किताब उठाता है और उससे कहता है, अब वो किस तरह से तलाश किया जाए और वो कहाँ गया है कैसे मालूम होगा? जिसे देखकर लगता ही नहीं अपने हाल में मस्त रहने वाला इंजीनियर, उस पर किसने नज़र रखी होगी और उसे किसने अगवा कर लिया? वो कौन लोग हैं? तलाश करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं। इस पर सिपाही कहता है, कोई गवाह नहीं मिल पाया, वाकया समंदर के बीचों बीच पेश आया, कैसे तलाश करेंगे? इस पर दूसरा सिपाही कहता है, अगर समंदर में होने वाले हादसे को देखने वाला कोई नहीं तो समंदर की जबान समझने वाला शख्स तलाश करो, हो सकता है वो इन सरगोशियों को ताकुब करके अबू मोहम्मद तक पहुंच जाए। दूसरी जानिब इस्कंदरिया में अरूज इलियास सराय में आते हैं और अरूज इजाबेल को इशारा करके कमरे में आने को कहता है। इजाबेल अरूज के पीछे आती है और अरूज से आकर पूछती है, कैसे हो? इस पर अरूज कहता है, ठीक है इजाबेल। तो इजाबेल पूछती है, हाँ तो क्या चाहिए? इस पर अरूज कहता है, कुछ खाने पीने नहीं आए, बात करने आए हैं। इस पर इजाबेल कहती है, अच्छा तो फिर काम नहीं है। इस पर इलियास कहता है, हाँ इजाबेल होटल बंद कर रहे हैं आप लोग क्या? या फिर औंतनिया खसारे का शिकार हो गई है इस वजह से काम का नहीं होने का कह रही हो? इस पर अरूज भी पूछता है, तो काम नहीं है इसी वजह से हमें देखते ही चेहरा मुरझा गया? इस पर इजाबेल कहती है, काम है मगर आप लोगों को काम नहीं दिया जाएगा, कम अज़ कम कुछ अरसा ऐसे ही चलेगा या नए निज़ाम की बुनियाद रखी जाएगी और इसमें कुछ वक्त लग सकता है। अरूज, इस मामले में मेरा तो कोई हाथ नहीं। इस पर अरूज कहता है, जानता हूँ इजाबेल, मुझे हर चीज़ का अंदाज़ा है, तुम परेशान मत हो। फिर इलियास कहता है, नए खड़े किए जाने वाले निज़ाम में हमें ना दिए जाने वाले काम जाफर को दिए जाएंगे इजाबेल, हाँ? इस पर इजाबेल कहती है, हाँ। तो इलियास कहता है, आहा रईस, अगर यहाँ काम ख़राब हो गया है तो हमें अपने नसीब को किसी और जगह पर तलाश करना पड़ेगा, आखिर हम समंदरी लोग हैं, जाल वहीं फेंकेंगे जहां पर मछली होगी और फिर भतीजा भी अपने नसीब साथ लेकर आएगा इंशाल्लाह। इस पर इजाबेल खुशी से पूछती है, उम्मीद से है क्या डिस्पिनिया? यानी कि मुझे बहुत खुशी हुई अरूज। इस पर अरूज कहता है, हाँ शुक्रिया। और फिर इजाबेल पूछती है, इसकी तबीयत ठीक है?
इस पर अरुज कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, तो इजाबेल कहती है उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही रहे। इस पर अरुज कहता है शुक्रिया और फिर इलियास को लेकर सराय से चला जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।